शुक्रवार रात दक्षिण मुंबई के कुम्भारवाड़ा गोलदेउल मंदिर परिसर के पास दो समुदायों में तनाव की स्थिति देखने को मिली, जब एक समुदाय की तरफ से निकाले गए कार्यक्रम में जोर जोर से डीजे बजाने लगे। उसके बाद स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई और फिर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दरअसल इस इलाके में, ये जो आप कुम्भारवाड़ा का इलाका देख रहे हैं, ये गोलदेउल मंदिर है। गोलदेउल मंदिर परिसर के पास से संदल की एक यात्रा निकल रही थी, जो कि मुस्लिम समाज द्वारा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन इस यात्रा में संदल में डीजे का इस्तेमाल किया गया और डीजे की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि लोग इस पर आपत्ति जताने लगे। आपत्ति जताने की वजह ये थी कि डीजे की आवाज़ की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही थी। डीजे में कोई गाना नहीं बज रहा था, कोई धार्मिक गीत नहीं बज रहा था, लेकिन म्यूज़िक जो था वो इतना तेज़ था कि कई घरों के शीशे टूट गए हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों ने अपने स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने जब सुनवाई नहीं की तो स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया और लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर आरोप लगाने लगे कि पुलिस उचित न्याय नहीं कर रही है। मामला इस गोलदेउल मंदिर परिसर से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ सुधीर सावंत जी हैं, उनसे बात करते जो कि यहाँ के स्थानिक हैं। सर, सबसे पहले बताएं, हुआ क्या था, ये कब से मामला चल रहा था, ये कल रात को क्या हुआ था, क्यों तनाव की स्थिति पैदा हो गई? देखिए, लगभग चार दिन से यहाँ पे संदल डीजे चल रहा है। अभी संदल डीजे इसके पहले तो यहाँ पर चलता नहीं था, मगर अभी जानबूझ के मुस्लिम तरुण यहाँ पर आ रहे हैं। भेंडी बाजार से लेफ्ट डंकन रोड में आ रहे, फॉरेस्ट रोड से गोलदेवल पर आ रहे हैं, ये गली से आ रहे हैं, पूरी हिंदुओं का बस्ती है, ये क्या चल रहा है? और डीजे का भी आवाज इतना भयंकर आवाज था, कोई गीत नहीं था, ऐसे लगता है कि कान में कोई अगर ये ड्रिल मशीन डाले हुए है, ऐसा ये लगाता है। ये जानबूझ के परेशान करने वाली बात है। और वो जो सब संदल में जो सब मुस्लिम समाज के लड़के थे, कान में रुई डाल के बैठे हुए और सुनने का केवल हिंदुओं ने, ये सब हैरेसमेंट वाली बात है। ये डीजे इतना जोर से बज रहा है कि कांच टूट रहे, लोगों के कान के पर्दे फट गए, बच्चे तो डर के मारे, कुत्ते बच्चे सब घर के अंदर चले गए, ये क्या चल रहा है? पुलिस को फोन कर रहे, पुलिस फोन नहीं उठा रही है, सरकार सोई हुई है क्या, पुलिस भी सोई हुई है क्या? ये कितने दिनों से चल रहा था? ये चार दिन से चल रहा है ये। और इसका इस सब बात का उद्रेक हुआ, फिर हिंदू लोग सब रस्ते पे उतरे, तब पुलिस हरकत में आ गई। कल ऐसी क्या स्थिति बनी कि चार दिन बाद सभी तमाम जो समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग, मंदिर परिसर में सभी इकट्ठा हो गए और यहाँ पर नारेबाजी करने लगे? वही तो है, ये अभी इधर से उधर संदल घूम रहे मंदिर के ऊपर, अगर मंदिर से यहाँ पर शादी की बारात भी जाती है तो पुलिस बैंड बाजा बंद करते है। मंदिर के ऊपर से डीजे जा रहा है, वहां से भिंडी बाजार से डीजे बज रहा है, वो यहाँ तक सुनाई दे रहा है, कान फट रहे है, तो ये उद्रेक होगा ही ना, तो पब्लिक रस्ते पे उतरेगी ना। क्या इसके पहले संदल, इस साल जो चार दिन के आप बता रहे हैं, क्या पिछले साल, उसके पिछले साल, इसके पहले भी यहाँ से यात्रा गुजरती? कभी नहीं, कभी नहीं। और दूसरी एक महत्व की बात है, वो संदल वगैरह जाती है यहाँ पर, उसके पीछे पुलिस भी नहीं रहती है, इसका अर्थ ये होता है कि उन्होंने परमिशन भी नहीं ली है और पुलिस भी अपने हाथ झटकती है। क्या चल रहा है ये? संदल में जाते हैं महिलाओं को भी छेड़ते हैं, कंदील फाड़ देते हैं, बाप का राज है क्या इनका? ये क्या हो रहा है सब ये? और इसका उद्रेक होगा तो हिंदू समाज रास्ते पे उतरेगा। कल जब ये तनाव की स्थिति हो गई, उसके बाद पुलिस अधिकारी आए यहाँ पर? इसके बाद ही आए, उसके पहले कुछ नहीं है। ये पायदुनी पुलिस स्टेशन वाले, जे वाले, वीपी रोड वाले, और ये हमको ही धमका रहे, आप अंदर जाओ, ये क्या हुए? और डीजे चल रहा है यहाँ पर, तो डीजे के लिए पुलिस मुसलमानों को बोलते हैं, बाबू जरा आगे जाके लगाना, क्यों? कल आप लोग ने पुलिस को फोन करके भी सूचना दी, तो क्या टालमटोल हो रही थी कि हमारा एरिया नहीं है? कोई जवाब देते नहीं है, ये सब डीजे और ये ऑडियो वीडियो पुलिस को हम भेज रहे, पुलिस कोई उत्तर नहीं दे रही है। इस मामले में आप लोग ने पुलिस से शिकायत की, उनका क्या जवाब आया है, क्या कार्रवाई की गई? कुछ उत्तर ही नहीं देते। मैंने आपको बताऊं, मैं वीडियो भेजा है पुलिस को, अभी वीपी रोड संबंधित पुलिस हमारे परिचित है, वो व्हाट्सएप पे है हमारे साथ में, हमारे आरएसएस का संचालन निकलता है तो वो बोलते है कौन से गली से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, वहां से निकलेगा, नहीं इधर से मत निकलो, वो रिमोट एरिया है, यहाँ से यहाँ सभा मत ले लो। और ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ये?
क्यों लगता है कि दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? बिल्कुल दोहरा मापदंड है ये। इसके विरोध में जो कल हुआ पूरा घटना, तनाव भी देखने को मिला, हिंदू समाज महाआरती करने वाला है सड़क? बिल्कुल करेगी, रास्ते पे पब्लिक आपको दिखेगी, बार बार उतरेगी। इसमें दोष हमारा नहीं है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का दोष है। पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। क्या क्या हुआ था कल रात को? हाँ, क्या बोल रहे हैं? अरे वो डीजे इतना बड़ा मतलब आवाज बड़ा करके सब बजा रहे थे, तो कांच फूट ली थी, मैंने उधर कांच फूट गया, और एक औरत बीमार थी उसको भी अटैक आ गया, इतना आवाज बढ़ा रहे वो लोग। खाली वो लोग को बोला काम करो तो झगड़ा करने लगे वो लोग, और परमिशन है 11 बजे तक, हम लोग को 10 बजे बंद कर देते हैं, और डीजे का परमिशन है ही नहीं, डीजे तो कैंसिल हो गया है, तो भी डीजे बज रहा था रात को। 30 ट्रक था, 30 ट्रक कामाडी बोरा में जहाँ डीजे बज रहा था उसका आवाज यहाँ तक आ रहा था, और आवाज बोलेगा तो अपन सामने सामने बैठ के बात नहीं कर सकते, इतना जोर से आवाज, और जो लाइट मार रहे थे वो इतना तेज लाइट था ना कि किसी का आग के अंदर इफेक्ट हो सकता था उसका, बहुत ही आवाज था। हमारे लिए कानून है, उनके लिए कानून नहीं है, ये तो गलत है ना। 11 बजे तक, 11:30 बजे तक उनका डीजे चालू है, उनका ये जुलूस में डीजे का परमिशन था नहीं, उन्होंने कोई परमिशन लिया था, फिर भी ये इतनी तादाद में डीजे वगैरह बजाया है, उनसे ये तकलीफ हुई है। जब जब ये दोहरा मापदंड चलेगा तब तक हिंदू रोड पे उतरेगा और एक्शन लेगा। लॉ एंड ऑर्डर भले ढीला है, हिंदू नहीं सोया, अभी हिंदू जग गया है, और ये दोहरा मापदंड ये इधर तो नहीं चलेगा कम से कम। ये स्थानीय लोगों की शिकायत है कि किस प्रकार से नारेबाजी की गई। दरअसल जो संदल का कार्यक्रम था, जुलूस निकला हुआ था, उसमें डीजे का इस्तेमाल किया गया और डीजे देर रात तक बजाया गया, जो कि 10 बजे के बाद डीजे बजाने की इजाजत नहीं होती है, और इतनी ऊंची आवाज में बजाई गई कि लोग यहाँ सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने इसका संज्ञान नहीं लिया, लगातार लोग फोन कर रहे थे, पुलिस को सूचित कर रहे थे, लेकिन पुलिस संज्ञान नहीं ले रही थी, और इसके बाद जब पुलिस हरकत में आई तो फिर मामले को ठंडा किया गया, लोगों को घर भेजा गया, और अब पुलिस का कहना है कि नॉइज पोल्यूशन का जो मामला है वो मामला लेकर कार्रवाई की गई है, और इस मामले में वो आगे कानूनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ये मामला पिछले 4 दिनों से चल रहा था तो आखिरकार पुलिस ने पहले ही एहतियातन कोई कदम क्यों नहीं उठाया, और मामले को इतना गंभीर क्यों होने दिया कि दो समुदायों में तनाव की स्थिति देखने को मिली। फिलहाल पुलिस कह रही है कि वो मामले की जांच कर रही है, नॉइज पोल्यूशन वायोलेशन एक्ट का मामला दर्ज किया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज कह रहा है कि जिस प्रकार से दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे और महाआरती करेंगे। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP News, मुंबई।